महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के दानी दरवाजा के पास स्थित अभयेश्वर महादेव 84 महादेवों में 48वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम पद्म कल्प के अंत में पृथ्वी पर प्रलय हो गया। ब्रह्मा ने चिंता की और उनकी बाईं आंख से एक अश्रु गिर पड़ा। उस अश्रु से हारव नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उनकी दाईं आंख के अश्रु से कालकेली दानव उत्पन्न हुआ। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तब ब्रह्मा जी भागकर समुद्र में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने पीत वस्त्रधारी एक तेजस्वी पुरुष को देखा। पूछने पर उस पुरुष ने बतलाया कि मैं विष्णु हूं और इस जगत का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जगत का सृष्टिकर्ता तो मैं हूं। इसी समय वे दोनों दैत्य उन्हें खाने के लिए वहां आ गए। ब्रह्मा और विष्णु कांप उठे। तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, महाकाल वन ऐसा स्थान है जहां प्रलय नहीं होता है, इसलिए जल्दी ही वहां चलें। महाकाल वन में पहुंचने पर वे 10,000 वर्ष तक भटकते रहे, परंतु उन्हें शिवजी के दर्शन नहीं हुए। कुछ समय पश्चात नुपुरेश्वर के दक्षिण में उन्हें एक ज्वालामय लिंग दिखा। उन्होंने उससे रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी समय उन्हें दानवों की गर्जना सुनाई दी। तब उन दोनों ने लिंग से अभय की प्रार्थना की। लिंग ने उन्हें अपने पेट में छिपा लिया। तब ब्रह्मा और केशव ने उसमें सारी सृष्टि देखी। तब वे लिंग से बाहर आए तो राक्षस भस्म हो चुके थे। उन्होंने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जो आपकी पूजा करे उसे अभय प्रदान करते रहो। आप इस संसार में अभयेश्वर कहलाएंगे। अभयेश्वर के दर्शन व पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। नाम बताइए माताजी। मेरा नाम शकुंतला त्रिवेदी है। इस महादेव के बारे में बताइए, इतिहास के बारे में। ये महादेव के बारे में ऐसा है कि बाबा ब्रह्मा जी के पीछे राक्षस पड़ा हुआ था, तो 10,000 साल तक ब्रह्मा जी ढूंढते रहे बाबा को। ये महाकाल वन में तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए, बोले त्राहीमान त्राहीमान मुझे अभय करो। तो बाबा स्थापित हुए यहाँ पे और ज्योति उनकी उत्पन्न हुई और राक्षस का संहार करा और बाबा की यहाँ स्थापना हो गई। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।